कच्ची फूड ब्लॉगर और आप देख रहे हैं क्रेजी आंध्रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुकी हूँ त्रिनगर के सबसे फेमस छोले भटूरे खाने, जो कि है ओम जी गोपाल जी के छोले भटूरे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ तो मैं मतलब पर्सनली इनके छोले भटूरे मेरे को बहुत ज़्यादा फेमस मतलब अच्छे लगते हैं, मेरे को फेमस भी हैं और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आपको बहुत मतलब बहुत जगह के दिखाए हैं, तरीके के भी दिखाए हैं। चलो आज ट्राई करते हैं ओम जी गोपाल जी के छोले भटूरे। मेरे को तो इनका टेस्ट पता है, तो आपको अगर नहीं पता तो आज मैं आपको इनका टेस्ट बताने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं इनका टेस्ट, मतलब जानते हैं इनका टेस्ट और खाते हैं छोले भटूरे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है इसका प्राइस और जानना है इसकी लोकेशन एग्जैक्ट श्रीनगर में, तो अभी मेरी वीडियो में बने रहिए, आपको एंड में पता चल जाएगा ये इसका प्राइस और ये कहाँ पे है। मेरे छोले भटूरे आ चुके हैं गरम गरम फूले फूले, अभी इसकी हवा निकल जाए इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी कि इसका टेस्ट क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक यूनिक बात बताऊँ, यूनिक क्या कहूँ, एक चमत्कारी बात बताऊँ, जो फूटा हुआ था उसकी हवा पहले निकल गई, मतलब जो फूटा नहीं था उसकी हवा पहले निकल गई और जो फूटा था उसकी हवा अभी तक नहीं निकली है। देखो ये फूटा हुआ है इसकी हवा अभी तक नहीं निकली, ये फूटा ही नहीं इसकी हवा निकल गई, पता नहीं कहाँ। तो चलो अब टेस्ट करते हैं। ओ भाई साहब, क्या भाप निकल रही है, हुई चलो टेस्ट करें। वाह फ्रेंड्स, साथ में इन्होंने हमें चटनी दी हुई है और इन्होंने साथ में चटनी और अनियंस दिए हुए हैं, यहाँ पे कैरेट दी हुई है, मिर्ची दी हुई है। चलो टेस्ट करते हैं इनके छोले भटूरे। फ्रेंड्स, इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस डले हुए हैं पनीर के, दिख नहीं रहे होंगे पर डले हैं फ्रेंड्स, ऐसे दिखते भी नहीं है। और इसके अंदर कोरिएंडर डला हुआ है। अब मेरे से वेट नहीं हो रहा क्योंकि छोले भटूरे मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं कितनी बार भी खाऊँ मैं मतलब मन नहीं भरता छोले भटूरे से। तो चलो अब टेस्ट करते हैं बढ़िया छोले भटूरे को। मज़ा आ गया फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया है। और तो और जो भटूरे हैं वो ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट है, छोले एकदम सॉफ्ट हैं, हार्ड नहीं है, अच्छे से बॉइल्ड हैं। और इनकी एक खास बात बताती हूँ, इनके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा कम है और तो और इनके अंदर इतने मोटे हैं, मोटे मोटे से आलू के पीसेस। ये देखो ये आलू के पीसेस हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, मज़ा आ गया। उसके अंदर जितने भी मसाले हुए हैं, जैसे मिर्च तो मेरे को नहीं लग रही पर जिसको लग रही है उसके लिए मिर्च एकदम बैलेंस है और नमक भी एकदम बैलेंस है, एकदम बढ़िया टेस्ट आ रहा है। छोले भटूरे तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। अब रायते के साथ टेस्ट कर लेते हैं, मैं तो भूल ही गई थी रायता भी है। तो चलो फ्रेंड्स, रायते के साथ तो और भी मस्त लग रहा है, मतलब बढ़िया रायते में सब कुछ प्रॉपर डला हुआ है, काला नमक सब एकदम बढ़िया से डला हुआ है, एकदम बढ़िया लग रहा है सच में। फ्रेंड्स, रायता बिल्कुल भी खट्टा नहीं है और फ्रेंड्स ये रायता बूंदी वाला रायता है जो कि मेरा फेवरेट है, बूंदी वाला तो मेरा बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, तो सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो अब इसे इन्जॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। मेरे छोले भटूरे हो चुके हैं फिनिश एंड मेरा पेट तो एकदम भर चुका है, मतलब मज़ा आ गया खा के। और मैं आपको इनका प्राइस बता देती हूँ, अगर आप एक प्लेट लेते हैं, एक प्लेट में आपके आते हैं 2 भटूरे और साथ में आते हैं छोले, तो वो आपके होंगे 50 रुपीज़ के। और अगर आप एक भटूरा और छोले लेते हैं तो वो आपके 30 रुपीज़ के होंगे और साथ में रायता आपका 10 रुपीज़ का होगा। तो मतलब बहुत बढ़िया था, मस्त था, पेट एकदम भर गया है। और ये एकदम मतलब बंगला रेस्टोरेंट के एकदम अपोजिट ही है, तो आप यहाँ पे आइए और खाइए इनके बढ़िया छोले भटूरे। तो इसी छोले भटूरे के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। शॉर्ट क्विक ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है इसका प्राइस और जाननी है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन श्रीनगर में,